स्वागत है दोस्तों कहानी के एक और नए वीडियो में। पूरे वर्ल्ड में लेस्बियन कंटेंट पे मूवीज बनी हैं। लोग इन मूवीज को बड़े मन से देखते हैं। इन मूवीज में औरतों के समलैंगिक संबंध को दिखाया जाता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे ही टॉप 10 लेस्बियन मूवीज के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है बाउंड। ये मूवी 1996 में आई थी। इस मूवी में लीड रोल में है जेनिफर टिली और जीना गैरसन। इसमें वॉयलेट नाम की एक औरत है और वो एक गैंगस्टर की मिस्ट्रेस है, लेकिन उसका लव अफेयर चल रहा है कॉकी नाम की एक औरत से। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस गैंगस्टर को अपने रास्ते से हटाना है ताकि दोनों एक साथ रह सकें। तो दोनों प्लान करते हैं कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की चोरी करेंगे और इसका ब्लेम उस गैंगस्टर पे जाएगा। क्या दोनों अपने प्लान में कामयाब हो पाती हैं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। 9वें नंबर पे है वीटा एंड वर्जीनिया। ये मूवी आई थी 2018 में। ये कहानी है वर्जीनिया वॉल्फ की, जो एक महिला से मिलती हैं जिसका नाम है वीटा और ये एक ऑथर है। ये दोनों ही औरतें मैरिड हैं, लेकिन इनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। इनके लव अफेयर पे बाद में एक बुक बनती है जिसका नाम है ऑरलैंडो। 8 नंबर पे है दिस ओबीडियंस। ये मूवी आई थी 2017 में। इस मूवी में काम किया है रेचल विश और रेचल मैकएडम्स ने। कहानी है दो औरतों की, रोनित और एस्टी। रोनित जो एक फोटोग्राफर है और न्यूयॉर्क में रहती है, वो लंदन वापस आती है और आके अपने एक दोस्त के यहाँ रुकती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके बचपन की एक सहेली थी जो अब उसके दोस्त की वाइफ है, जिसके यहाँ वो रुकी है। रोनित और एस्टी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। रोनित का किरदार यहाँ बाइसेक्सुअल है और वहीं एस्टी एक लेस्बियन है। दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। अब रोनित चाहती है कि एस्टी अपने रिश्ते से अलग हो जाए और उसके साथ न्यूयॉर्क जाके रहे। आगे की कहानी के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। 7वें नंबर पे है बिलो हर माउथ। ये मूवी 2016 में आई थी। कहानी में जैस्मिन नाम की एक महिला है जो एक फैशन एडिटर है और अपनी फियांसे के साथ रह रही है। एक बार वो अपने दोस्त के साथ जब घूम रही होती है तो वो डल्लस नाम के एक दूसरी लड़की से मिलती है। इन दोनों का बाद में अफेयर स्टार्ट होता है और इसे दोनों अपने लाइफ को फिर से इवेल्यूएट करते हैं। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जहाँ पे इसे देख सकते हैं। 6 नंबर पे है कैरल। ये एक लेस्बियन मूवी है जो रिलीज हुई थी 2015 में। थेरसे नाम की एक औरत है जो मैनहेटन में रहती है और यहाँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत औरत दिखती है जिसका नाम है कैरल। फिर चीज़ें तेजी से बदलती हैं जब थेरसे के अंदर कैरल के लिए फीलिंग आने लगती है। इस मूवी में कैट ब्लैंचेट ने काम किया था। फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। 5 नंबर पे है हैंड्स मैडन। ये एक साउथ कोरियन मूवी है। इस मूवी में एक अमीर जापनीज औरत है जो अपने लिए एक हैंड्स मैडन को हायर करती है, जो एक कोरियन लड़की है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस लड़की को एक धोखेबाज ने उसे वहाँ भेजा है, जिसके जरिए वो उस जापनीज औरत की जायदाद हड़पना चाहता है। यहाँ इस मालकिन और उसकी नौकरानी में लेस्बियन संबंध बनते हैं। 4 नंबर पे है आई कांट थिंक स्ट्रेट। ये मूवी में कहानी है ताला की, जो एक अपर क्लास वूमन है जॉर्डन से। उसकी शादी होने वाली रहती है, लेकिन बाद में वो ब्रिटिश इंडियन वूमन से मिलती है और दोनों एक दूसरे को से प्यार करने लगते हैं। और यहाँ इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। फिल्म में लीड रोल में है लीजा रे और शीतल सेठ। 3rd नंबर पे है रूम इन रोम। ये कहानी है दो युवतियों की जो रोम में अपने हॉलीडे के दौरान मिलती हैं और एक दूसरे के साथ एक रात गुजारती हैं और अपने अतीत की यादों को साझा करती हैं। यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। 2nd नंबर पे है किस मी। मिया और फ्रीडा नाम की दो लड़कियों की, जो एक एंगेजमेंट पार्टी में मिलती हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। मिया की एंगेजमेंट भी होने वाली है एक लड़के के साथ और अब उसे डिसाइड करना है कि वो क्या करे, अपनी लाइफ आगे बढ़ाए या फ्रीडा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। यह फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। 1st नंबर पे है ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर। इस फिल्म को कांस में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था, जिसमें कहानी है एडले नाम की एक औरत की जो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कंफ्यूज है और उसका उसके बीएफ के साथ ब्रेकअप हो जाता है। अब वो एक दूसरी लड़की से मिलती है जिसके नीले बाल हैं और फंकी सा हेयर कट है और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।